जय हिंद दोस्तों। फिलहाल सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की भर्ती आ चुकी है ऑल ओवर इंडिया के लिए। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है दोस्तों? 875 पोस्टें निकली हुई है, बहुत जल्द इसका फॉर्म फिलअप शुरू होने वाला है। ये पोस्ट अभी अभी आई हुई है, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की जो बात हो रही है दोस्तों, जो पोस्टेज की संख्या है 875, इसके लिए जो एज है दोस्तों वो आपका 18 से 25 साल तक है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए SC ST को 5 साल का छूट, OBC को 3 साल का छूट रहेगा। अब आइए बात कर लेते हैं इसके पे स्किल के बारे में दोस्तों। तो इसका पे स्किल होगा 21,000 से लेके 81,000 तक इसका पे स्किल होने वाला ऑल इंडिया जॉब है। इसके लिए आपको 12th पास होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बैड न्यूज है, ये जो आपको वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है, 875 सीआरपीएफ की जो वैकेंसी के बारे में बताया, उसकी सच्चाई क्या है दोस्तों? तो मैं इसकी सच्चाई आपको आज बताने वाला हूं इस सौरभ मिश्रा यूट्यूब चैनल के जरिए दोस्तों। तो आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, क्योंकि जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से ये फेक नोटिफिकेशन वगैरह उठा उठा के आपको 7 बार 10 बार वीडियो बना दिया जा रहा है कि वैकेंसी आ चुकी है, वैकेंसी आ चुकी है, 875 वैकेंसी आई है, जाके फॉर्म फिलअप कर लो, कल ही से आ गई है, परसों से आ गई है। तो इसकी सच्चाई बता दो, ये जो आपकी वैकेंसी के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, ये वैकेंसी कब की है दोस्तों? ये वैकेंसी है 2020 की वैकेंसी है दोस्तों, जो कोविड गाइडलाइन के चक्कर में वैकेंसी नहीं आई थी दोस्तों। इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है दोस्तों, ASI स्टेनो की वैकेंसी है, एवं हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, एवं सिग्नल स्टाफ की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी और जो पीडीएफ दिखाया जा रहा है, ये 2020 का पीडीएफ है दोस्तों। ये अभी का कोई भी फिलहाल में 2022 में सीआरपीएफ की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। जो भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है 2022 के नाम से, वो एडिट किया हुआ है दोस्तों। मैं आपको साफ साफ जानकारी दे दूं, 2022 में कोई भी अभी तक सीआरपीएफ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये जो भर्ती आपको दिखाई जा रही है, ये आपका 2020 का है, जो कि मैंने कल पूरा स्टडी किया है इसके ऊपर। मैंने पूरा कल खोजा, मैं कहा यार अभी तो 2022 में कोई भी सीआरपीएफ की भर्ती नहीं है, यूट्यूब पे क्या चीज का हल्ला मचा के रखा है इन्होंने कि सीआरपीएफ की भर्ती आ गई। मैंने जब ठीक से छानबीन किया तो मुझे पता चला दोस्तों, ये 2020 की वैकेंसी का पीडीएफ ये लोग अभी दिखा रहे हैं दोस्तों कि भर्ती आ गई। भर्ती आएगी जरूर, बट इसका 10-10 मिनट का पूरा वीडियो गुणगान करें कि भर्ती आ गई, पहले फॉर्म फिलअप करना शुरू हो जाओ। बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे कमेंट आ रहा है, फोन आ रहा है कि सौरभ भैया ये कहां से वैकेंसी आ गई, हम लोग को तो पता ही नहीं है वैकेंसी, आपने वीडियो क्यों नहीं बना रहे, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, वीडियो बनाइए। मैंने कहा यार कौन सी वैकेंसी आ गई, मुझे तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है वैकेंसी के बारे में। मुझे जब जैसे ही डिपार्टमेंट की कोई वैकेंसी आती है हमें पता चल जाता है, हमारा कोई उतना ये नहीं कि हमें पता चल जाता है, वैकेंसी आते ही हमें पता है, वैकेंसी आने से 5-7 दिन पहले ही हमें पता चल जाता है कि वैकेंसी आने वाली है। ये कौन सी वैकेंसी, इसके डिटेल्स मुझे नहीं पता। फिर मैंने दोस्तों जब छानबीन किया तो पता चला ये 2020 की वैकेंसी है और इसका अभी तक कुछ भी नहीं है, 2021 में भी नहीं आई थी, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये 2022 में करंटली आने वाली है, क्योंकि ओमिक्रॉन का सिचुएशन थोड़ा हार्ड हो चुका है दोस्तों, अभी थोड़ा केसेस बढ़ने लगे हैं, तो अभी भी इसका आने का कोई चांसेस नहीं है। हो वाला हाँ, ये आ सकती है फरवरी मार्च के बाद आ सकती है, आने के चांसेस हैं, लेकिन अभी फिलहाल में कोई भी इसका ऑफिशियल डेट नहीं होने वाला कि सब हल्ला मचा रहे कि वैकेंसी आ गई, कोई वैकेंसी नहीं आ रही दोस्तों। फिलहाल में आपको सब फ्रॉड बना रहे हैं ये जितने भी हैं पैसा कमाने के लिए बैठे हुए, जो तो आपको बता दे रहे हैं, लेकिन ये 2020 की वैकेंसी है। मैं आपको हिसाब से बता दूं, अब बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है, हम तो छोटे मोटे हैं, हमें उतना सब्सक्राइबर नहीं है, उतना मतलब फैन फॉलोइंग, लेकिन जो भी है अपन लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो हम लोग को पता होता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन एवं ठीक इन्फॉर्मेशन देना ही हमारा काम है। बाद बाकी आपको जो करना है जो सोचना है सोच सकते हैं, लेकिन सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। हाँ, आने की संभावना है, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल ही क्या, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी आने की पूरी संभावना है दोस्तों। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड ट्रेड्समैन की मिक्स होकर वैकेंसी आ सकती है, अभी भी पैरामेडिकल स्टाफ की ऑलरेडी आई हुई है और एक वैकेंसी आने की संभावना है। ये कब तक है, जनवरी फरवरी मार्च तक ये आ सकती है या फरवरी तक आ सकती है, तो इसका लास्ट में चांसेस है। अभी फिलहाल में कोई डिपार्टमेंट की तरफ से ये अनाउंस नहीं हुआ है कि वैकेंसी आने वाली, मुझे कुछ भी नहीं पता वैकेंसीज का, जो डिटेल्स आपको अदर यूट्यूब बना रहे हैं ये हमें उतना कुछ भी उसके बारे में नॉलेज नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये 2020 की वैकेंसी है, तो आपको टेंशन अभी नहीं लेना है, आराम से आप पढ़ाई करो, SSC GD के लिए पढ़ाई करो, रेलवे में भी आपका 2 एग्जाम हो गया आपको पता है, तो अभी फिलहाल बच्चों का उनका टेंशन है, यहाँ पे ये लोग और भी अंडरस्टैंड बोल के आपको टेंशन देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। BSF के लिए फॉर्म अप्लाई करो, अच्छे से फिजिकल भी प्रिपरेशन करो, रनिंग वगैरह करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ग्रुप डी का एग्जाम दो, अभी SSC का भी रिजल्ट आने वाला है, उसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाला हूँ कि SSC GD का रिजल्ट कब तक आ जाएगा दोस्तों, उसका फिजिकल के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में नहीं देने वाला, मैं आपको दूसरी वीडियो में देने वाला हूँ।
तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन था। अभी सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल की कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई, ये पुराना वैकेंसी का जो आपका पीडीएफ है इसी को दिखाया जा रहा है। ऑफिशियल अभी सीआरपीएफ की वेबसाइट पे भी कुछ भी नहीं है। मैं सीआरपीएफ का वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके वहां खुद भी चेक कर सकते हो। फिलहाल में अभी कोई भी सीआरपीएफ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है सीआरपीएफ हेड कॉन्स्टेबल के लिए, ये जारी हो सकती है। ये दोस्तों डिपार्टमेंट की तरफ से अगर ऐसे भी नोटिफिकेशन आता तो मुझे पता चल जाता है, मैं आपको वैकेंसी आने से पहले ही बता देता हूँ। बीएसएफ की जब ट्रेसमेंट की वैकेंसी आई थी उससे पहले ही मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस ही बता दिया था, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसा होगा, पूरा एक्सपीरियंस लेके सारा कुछ बता दिया था। और उस वीडियो को आपने भर भर के प्यार दिया, करीबन 85,000 करीबन मेरे मतलब 85,000 से ज्यादा व्यूज है उस वीडियो के ऊपर। तो आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा है, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही आप मेरे ऊपर सपोर्ट बनाए रहिए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो सौर अपने सरडू चैनल आप सभी को प्रोवाइड कराता रहेगा। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव के साथ। जय हिंद, जय भारत, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है, भारत माता की जय, वंदे।